घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर इस बात से इनकार किया कि उन्होंने अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से किसी भी तरह से रुपए लिए थे। महुआ ने यह भी कहा कि अगर अडानी ग्रुप के खिलाफ बोलने के लिए दर्शन हीरानंदानी रुपए लेंगे तो वो देंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से लोकसभा अध्यक्ष के पास महुआ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कारोबारी दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामा देकर संसद में अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा की पार्लियामेंट्री आईडी का इस्तेमाल करने का आरोप स्वीकार किया। उन्होंने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई जिससे महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। बता दें महुआ मोइत्रा पर रुपए लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाने वाले झारखंड के गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस इंटरव्यू पर सवाल खड़ा कर दिया था। महुआ मोइत्रा के पूर्व पार्टनर और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्रई ने मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को निलंबित करने की मांग की गई थी। इस मामले को लेकर संसद एथिक्स की कमेटी जाँच कर रही थी। एक दिन पहले शुक्रवार को महुआ को बयान देने के लिए एथिक्स कमेटी ने बुलाया था लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर जाने में असमर्थता जाहिर की। हालांकि दो दिनों के अंदर एथिक्स कमेटी ने उनसे दूसरा नोटिस देकर 2 नवंबर को हाजिर होने के लिए कहा है।